नमस्कार साथियों, बार बार छींक आकर जुकाम होना मौसमी एलर्जी या बारहमासी एलर्जी? मौसमी एलर्जी तो दो चार दिन टिकती है, लेकिन बारहमासी एलर्जी बारह महीना बनी रहती है। दोनों के ही लक्षण एक तरह के होते हैं। जिसकी प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर होती है वो सहज ही ऐसी एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। लगातार धूल, धुएं और तेज गंध के संपर्क में रहना, लगातार प्रदूषण युक्त वातावरण में रहना, एलर्जी जनित पराग कणों के संपर्क में आना, किसी दवा का रिएक्शन होना या एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, मौसमी एलर्जी की चपेट में आकर सर्दी जुकाम होना, घर की धूल, पालतू जानवरों के संपर्क में आना, फंगल बैक्टीरिया के संपर्क, बिस्तर व तकिए पर जमी धूल आदि से एलर्जी के मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर यह एलर्जी लंबे समय तक रह जाए तो साइनस, अस्थमा व पेट से जुड़ी समस्याएं शरीर में डेरा जमा लेती हैं। अगर आप भी ऐसी बारहमासी एलर्जी से पीड़ित रहते हैं और इस एलर्जी के दुर्गामी दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आज मैं आपको तीन ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिनके प्रयोग करने से बारहमासी एलर्जी तो खत्म होगी, साथ ही इससे होने वाले सभी विकार जैसे आंखें लाल होना, नाकों से पानी आना, बार बार छींके आना, नाक में खुजली होना, लगातार सिर में दर्द रहना, भारीपन, चिड़चिड़ापन व सूंघने की शक्ति कमजोर होना आदि सब ठीक हो जाएंगे। आपको इन तीनों उपायों में से कोई एक उपाय करना, साथ में चार ऐसी बातें जो उपायों के साथ में करनी है और छह ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी है भी ध्यान में रखनी चाहिए। आपको उपायों के तौर पर दो दो बूंद शुद्ध देसी गाय का घी गुनगुना करके रात्रि को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में डालें। जब पहली नाक में डालें तो दूसरी नाक को हल्का सा बंद करके ऊपर की ओर खींचें। इसी प्रकार दूसरी नाक में डालें तो पहली नाक को बंद रखें और ऊपर की ओर हल्का सा खींचें। इस दौरान 15 मिनट बिना तकिया लगाए लेटे रहें और बाद में तकिया लगाकर लेट सकते हैं। दूसरे उपाय में मुलेठी, अदरक व काली मिर्च की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर कूट पीस लें और इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा 1 कप पानी में उबालें और छान कर चाय की तरह इसे पिएं। इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह नुस्खा एलर्जी के लिए एक रामबाण उपाय है। तीसरे उपाय में 2 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच गिलोय के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह सेवन करें। इससे बार बार होने वाली एलर्जी से बचे रहेंगे। इन उपायों को करने के बाद में आपकी नाक, गले, मुंह की सभी प्रकार की एलर्जी दूर हो जाएंगी। तथा अगर आप साथ में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे 1 नंबर, बाहर से आने पर वह भोजन करने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। 2 नंबर, धूल व धुएं वाले स्थानों पर मास्क लगाकर जाएं। 3 नंबर, नियमित रूप से सुबह रोजाना प्राणायाम करें। 4 नंबर, विशेष रूप से अनुलोम विलोम व कपाल भाती रोजाना अवश्य करें। इनसे विशेषकर एलर्जिक अवस्थाओं में लाभ मिलता है। लगातार छींक आने पर 6 चीजें जिनको करने से बचना है। 1, एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें। ठंडे, बासी व फ्रीज में रखे एलर्जी कारक खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। 3 नंबर, ठंडे व गर्म चीजों का एक साथ सेवन ना करें। 4, जंक फूड ना खाएं। 5, तीव्र गंध वाले परफ्यूम एवं सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें। 6 नंबर, बाहर की गर्मी वाले वातावरण से आकर एकदम से पंखे व एसी के नीचे ना बैठें व ठंडे पानी से स्नान ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट व शेयर करें। ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।